दिल्ली के अनाज मंडी में लगी आग की घटना के बाद अब एक बार फिर से आग की एक घटना मुंडका से सामने आई है। जी हां, इस तरह से दिल्ली में हफ्ते भर के अंदर ये दूसरा अग्निकांड। मुंडका में दरअसल एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, जहां ये आग लगी, जिस फैक्ट्री में आग लगी, जिस गोदाम में ये आग लगी, उसके बाद फिर आग पर काबू पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई हताहत हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां दिल्ली में मौजूद हैं जो बिना फायर एनओसी के चलाई जा रही है, जहां पर अगर आग की घटना हो जाए तो लोगों के पास, फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों के पास निकलने के लिए रास्ते नहीं होते, उनके पास वेंटिलेटर की वहां व्यवस्थाएं नहीं होती, जिसके बाद उन्हें आग में दम तोड़ देना पड़ता है, जैसा कि दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगने के दौरान देखा भी गया, जहां पर लगभग 43 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया। गनीमत मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, और गनीमत यह रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ।